जो शूरवीरों ने जो जवानों ने बॉर्डर पे उनके फैमिली को कितना बुरा लग रहा होगा बताओ। एक एक घर अगर आप जाओगे और सुनोगे तो बताएंगे आपको यार जो आजादी के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की यार आप गांधी जी को बदनाम कर रहे हो और लोगों से अनशन किया गांधी जी ने अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिलाया। इतने महान मान वल्लभ भाई पटेल जी ने हमको इतना देश के लिए काम किया, हम क्या भूल जाए इनके कामों को? दे आर द बेस्ट वॉरियर ऑफ द कंट्री। डॉक्टर केशव बलेरा सब लोग जो भी एक वीर जो देश के लिए लड़ा है उसको हमारा सैल्यूट है भाई। ये कल की लड़की आके बोलती है कि हमको देश भीख में मिला गया, आजादी वही आजादी भीख में मिली है कह रही है, ये गलत है। मतलब मैंने खुद उनकी तारीफ करते हुए एक आर्टिकल निकाला था कि थलाई भी मैं शी इज द बेस्ट एक्टर, मैंने खुद ही आर्टिकल छपाया था। हाँ। अगर आप देखोगे ज्योति सक्सेना आप देखो एक्टिंग में है वो बहुत अच्छा कर रही है भाई, तो फिल्म में एक्टिंग कर, रियल लाइफ में एक्टिंग मत करिए। ये सब नहीं करना चाहिए। जनता एक ऐसी है ना छड़ी, तुमको कुर्सी पे बिठाएगी ना भाई, तुमको नीचे उतार भी देगी, ऐसी है जनता। क्या बोलते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो वो अपने काम के लिए लिए, देखो मैं चाहती हूँ मुझे उसको गलत पद्मश्री मिला है, अक्षय कुमार को मिले, जॉन इब्राहिम को मिले, अजय देवगन को मिले, सोनू सूद को मिले, इन लोगों को क्यों पद्मश्री नहीं दिया? मेरे सलमान भाई को मिले, मेरे शाहरुख भाई को मिले, इन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे चक दे इंडिया। ये तो झांसी की रानी बनकर खुद को झांसी की रानी कर रही है भाई, वो भूल गई कि झांसी की रानी ने भी देश के लिए लड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, वो भी देश के लिए लड़ी थी भाई, देश के लिए लड़ी थी वो। बताओ आप क्या उनका बलिदान भूल गए? और हमें आजादी भीख में मिली है कह रही है भाई। ये तो मैं हॉस्पिटल में थी इसलिए मैं बोल नहीं पा रही, मैं आज बोल रही हूँ। मैंने इनफैक्ट थलाइवी के लिए इतना सारा ट्वीट किया के लिए कि शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस, और आज जाके वो पद्मश्री और इसके लिए मतलब आपको एप्रिशिएट। पद्मश्री इनका वापस लो मोदी जी, अगर ये देश के जवानों से देश के जनता से ना माफी मांगे तो लो वापस। क्या कहते हो दोस्तों? सही है, हाँ, देश की जनता का दिल दुखाया है इसने। भारत माता की जय। कल भी अच्छा फैसला हुआ ना मोदी जी ने किसानों के लिए किया, वो हो गया। हाँ हाँ वो हो गया, वो उससे ले। हाँ अभी बोल दिया मैंने था ना, वो भाई की मूवी आ रही अंतिम। अरे भाई, हाँ भाई की मूवी आ रही अंतिम। हाँ उनके भाई की मूवी आ रही है, मैं झूपे के संग सर्कल पे खड़ी रहूंगी अंतिम का पोस्टर लगा के क्रिसमस में, और मुझे सब लोग अरे उनका क्रिसमस है सर, मेरा तो क्रिसमस ही है ना, तो और मेरा बर्थडे है ना 24 को, मेरा बर्थडे है तो मैं देश के लिए हमेशा लड़ूंगी। दादा कैसे हो? राखी के बर्थडे पे आप लोग आओगे नहीं विश करने के लिए? देश के लिए मैं हमेशा लड़ूंगी, चाहे देश का कोई भी देश के विरुद्ध जाएगा मैं लड़ूंगी। हाँ तो आप बोल रहे थे सलमान भाई के ऊपर, सलमान भाई के ऊपर बोल रहे हैं। हाँ तो उनकी पिक्चर बहुत सुपरहिट जाएगी, मैं जू सर्कल के उनका पोस्टर लेके खड़ी रहने वाली हूँ दोस्तों, पूरी देश की जनता को बोलने वाली हूँ, डेट आप लोग को दे दूंगी। बर्थडे पे बुला रहे होगे नहीं? हाँ बर्थडे पे भाई बिजी है ना भाई, अभी अंतिम किया प्रमोशन। अरे वो आपके बर्थडे के लिए बोल रहे हैं, आपको बुला रहे हैं ना, जॉन जॉन की मूवी आ रही है जॉन सर की। हाँ कुछ सरप्राइज भी होने वाला है, वेट करो। और मैं बिग बॉस में भी जा रही हूँ, अगले बिग बॉस में मेरे ये खाली की टेंशन मेरा वीडियो है ना, उसको प्रमोशन के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं कार्तिक भाई की मूवी देखी कि नहीं? धमाका सारी चीजें आज ही पूछ रहा है।